मगर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेजा। जब आका तशरीफ लाए, फिर सबसे पहले ईमान लाने वाला अगर कोई था तो वो कोई आम इंसान नहीं, वो था कि जो खानाए काबा में पैदा हुआ। बोले सुभान अल्लाह, खानाए काबा में पैदा हुआ, और जिसके नाम को ना जिस मुसीबत में पुकारा जाए अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है, जिसको सारी दुनिया मौला अली कहा करती है। अब तो बोले पीछे तक सुभान अल्लाह। हाँ, जो कुर्सी आगे खाली बैठी है, मैं पीछे वालों से कहूंगा क्यों इतनी पीछे जा रहे हैं? लोग आगे जाना चाहते हैं मगर तुम सरकार की महफिल में पीछा जाने चाहते हो। नहीं, ये सरकार की महफिल है, जो आगे कुर्सियां खाली पड़ी है इन्हें पुर कर ले। मैं इंशाल्लाह जितनी देर बोलूंगा फिर आप खुद कहेंगे कि हम आप फजर तक बोलें कि हम सुन के जाएंगे फजर तक। थोड़ी देर आप बैठिए आगे आके। मैं चाहता हूं कि 1 बजे अपना प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। हाँ, सारा मजमा मचल के बोले। हाँ, आवाज निकाल के बोले। मैं एक नारा लगाता हूं और वो नारा कि जिससे दिल और जुबान बेदार हो जाती है, वो नारा कौन सा है? इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। अभी भी कमजोर है नारा, ऐसा नारा लगाओ कि अल्लाह की कसम हम दीन की पहचान बांटेंगे। अगर त्रिशूल तुम बांटो तो हम कुरान बांटेंगे। और लगाओ लगाओ सुनियो ऐसा नारा, दीन के दुश्मन दहल जाए, अली शेरे खुदा का हम यही ऐलान बांटेंगे। ऐसा नारा लगाओ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया नहीं है ताजु शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया। माशाल्लाह, बेदार हो गए ना? तो अली वो नाम है कि जिस मुसीबत में पुकारा जाए अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है। तीसरा मौजू है अज़मत वालिदैन, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्नी सुलूक करो। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का मालूम तो है जन्नत का दरवाजा है बाप, फिर भी हम उस दरवाजे को खोलने के काम करते ही नहीं है। हाँ, इसलिए आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। जब माँ और बाप अपनी औलाद के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करें तो कभी माँ और बाप की दुआ रब की जानिब से रद नहीं होती है बल्कि कबूल हो जाती है। दुआ करना ये माँ और बाप का काम है और मंजिल को तय करना ये परवरदिगार का काम है। बात चल रही थी बगदाद के गौसे आजम, बड़ी शान का नाम है मेरे गौस, कोई आम नाम नहीं है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई ना कलमा पढ़ने वाला भी और अगर वो मेरी गली से गुजर गया हो, मेरी गली से गुजर गया हो, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं उसे जब तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ईमान की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। ये है बगदाद के गौसे आजम, बड़ी शान है मेरे गौस की, बड़ी शान वाला है मेरे गौस का नाम, बड़े मुकद्दर वाले हो कि आज तुम गौसे आदम की महफिल में आके बैठे हो।
कौन गौसे आजम? हुजूर गौसे आजम आज कहते कुछ लोग बकारते हैं, बोलते हैं यार क्या ग्यारहवीं मनाते हो, क्या है ये ग्यारहवीं शरीफ? उस नादान से कहो, अकल के अंधे से कहो कि तू अपनी अकल का पर्दा खोल, अपने सीने को पाक कर, फिर देख हम तुझे बताएं कि बगदाद के गौसे आजम की ग्यारहवीं क्या हुआ करती है। बोले सुभान अल्लाह, ग्यारहवीं क्या हुआ करती है बताओ हुजूर गौसे आजम। हर 11 तारीख को बगदाद के गौसे आजम के दरबार में लोगों का मजमा इकट्ठा होता था। बोलो सुभान अल्लाह, हर 11वीं तारीख को हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आपके दरबार में जाके लोगों का मजमा इकट्ठा होता। ऐसा नहीं कि बल्कि होता था, हजारों का मजमा इकट्ठा होता था और आकर के हुजूर गौसे आजम की बारगाह में लोग फरियाद करते। कोई आकर के कहता हुजूर औलाद नहीं है, बगदाद के गौसे आजम रब की बारगाह में हाथ उठाते, दुआ करते, अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देता। कोई कहता हुजूर मैं बड़ा बीमार हूँ, कोई ऐसी दुआ फरमा दीजिए कि जिससे अल्लाह मेरी बीमारी को दूर फरमा दे। हुजूर गौसे आजम है, बगदाद के गौसे आजम रब की बारगाह में हाथ उठाते, परवरदिगार आलम गौसे आजम के उन जुमलों को सुनता, उसकी बीमारी को दूर कर देता। यार जो जो दुआएं कराने के लिए अपनी फरियाद लेकर के बगदाद के गौसे आजम के करीब आया करता। हुजूर गौसे आजम नजर करम फरमाते, रब की बारगाह में फरियाद करते और मौला उसकी मुसीबत को परेशानी को दूर कर देता। एक दिन ऐसा आया हुजूर गौसे आजम अपने आशिकों के दरमियान मौजूद है। हुजूर गौसे आजम आप तकरीर कर रहे हैं, लोगों को नसीहत दे रहे हैं, लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं। आकर के हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ओ लोगों अब मुझे मेरा वक्त विसाल करीब आने वाला है, अब मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, रब के करीब चला जाऊंगा। इतना कहना था हुजूर गौसे आजम ने कहा, आप घर के अंदर तशरीफ ले गए। हुजूर गौसे आजम की तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर लेट गए। आप बिस्तर पर लेटे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। आने के बाद जब 11वीं शरीफ, जब 11 तारीख आई है, लोगों का मजमा इकट्ठा हुआ और आकर के हुजूर बगदाद के गौसे आजम के आप चौखट से आकर के मुरीदीन बैठ गए हैं। और आने के बाद में कुछ आपके चाहने वाले वो थे, कुछ आपके दीवाने वो थे जो हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में आंखों से आंसू बहा रहे थे और यार इतनी चीखें मार मार करके रो रहे थे। सहन में ख्याल आ रहा था, यार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अब मेरा वक्त विसाल करीब है, अब मैं रब के करीब चला जाऊंगा, अब मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगा। आपने इतना कहा है मगर मुरीदों के जहन में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि यार जब अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल हो जाएगा, ये पर्दा फरमा जाएंगे, तो हम फिर 11 तारीख को आकर के हम फिर किससे अपने दिल का हाल सुनाएंगे, किससे आकर के फरियाद करेंगे। इतना कहना था, आपका एक मुरीद उठा है और उठने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी के करीब पहुंचा है और जाकर के कहने लगा, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ओ गुलाम कैसे आना हुआ है, गुलाम की आंख में आंसू है। बगदाद के गौसे आजम से कहता है, हुजूर आपके गुलामों का मजमा इकट्ठा हो गया है, सारे लोग दरवाजे पे बैठे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये रोने की आवाजें कैसी आ रही है, ये रोने की आवाजें किधर से आ रही है? गुलाम ने कहा था, हुजूर जिस दिन से आपने कहा था कि मेरा वक्त विसाल करीब है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाऊंगा, अब आपके मुरीदों की आंख में आंसू है, वो सब रो रहे गए और इसी ख्याल पे रो रहे गए, जब 11वीं आया करेगी तो हम आकर के किससे फरियाद करेंगे, किससे आकर के दिल का हाल सुनाया करेंगे, अब हमारे लिए दुआएं कौन करेगा। इतना कहना था, अब्दुल कादिर जिलानी ने सुना है आप बिस्तर से उठे हैं और उठने के बाद आप अपने निसारों के करीब पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे, तुम्हारे चेहरों पे कैसी रौनकें नहीं है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं। इतना कहना था, मुरीद कहने लगे, हुजूर आप फरमाते हैं अब मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, मेरा वक्त विसाल करीब आ चुका है, हुजूर यही हमामे रुलाता है, फिर हम किससे आकर के फरियाद करेंगे, फिर 11वीं आकर के किसके दर पे मनाया करेंगे। इतना कहना था, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जब मेरा विसाल हो जाए तो जब 11वीं आया करे तो अपने घर पे फातह का इंतजाम करना, और जब फातह का इंतजाम करना ये गुलामों का काम है, और गुलामों के दरबार पे जाना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। आप फरमाते हैं गुलामों
गम मत करना, इसलिए कि फातहा का इंतजाम करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना ये अब्दुल कादिर जेलानी का काम है। ये है बगदाद के गौसे आजम, तो फिर गुलाम क्यों गौसे आजम की ग्यारहवीं ना मनाए? इसलिए जो गौसे आजम की ग्यारहवीं मनाते हैं, यार तुम एक खर्च करोगे अल्लाह एक के बदले में तुम्हें दस अता फरमाए। इसलिए गौसे आजम की जब जब ग्यारहवीं आया करे तो यार कम खर्चा मत किया करो। इसलिए जब गौसे आजम की ग्यारहवीं आया करे तो यतीमों को भी सीने से लगाया करो, बेवाओं को जाकर के सहारा दिया, बेवाओं को जाकर के साथ दिया करो, और यार जो गरीब हुआ करे तो उस गरीब को अपने करीब बिठा कर के खिलाया करो। आज हम देखते हैं यार, अगर कोई हम कोई फंक्शन किया करते हैं यार, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, बेटे के जन्मदिन का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो यार हम अमीरों की दावतें किया करते हैं, नेताओं को बुलाया करते हैं, मंत्रियों को बुलाया करते हैं, और हमने तो देखा है उनके लिए बड़े बड़े स्टेज लगाए जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छा इंतजाम किया जाता है, मगर जब गरीब तुम्हारे दरबार में आता है तो तुम गरीब के करीब बिठाना पसंद नहीं करते। अगर चाहते हो कि आमना का लाल भी मुस्कुराए, बगदाद के गौसे आजम भी मुस्कुराए, तो अमीर को बाद में बिठाना, पहले यतीम को सीने से लगाना, यतीम को लुकमा बना करके खिलाना तेरा काम है, और कसम खुदा की तुझे सीने से लगाना ये आमना के लाल का काम। कम से देखो, आज हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े अमीरों को बुलाते, नहीं जी पहले गरीबों को दावत दिया करो। माशाल्लाह, ये नकीब अहले सुन्नत हैं भाई जनाब आकिल रज़ा हस्सानी साहब, बड़े अच्छे नकीब हैं, अल्लाह इनकी उम्र को लंबी उम्र अता फरमाए। हाँ, बहुत अच्छे नकीब हैं, बहुत अच्छी निकाबत कर रहे थे, और इनका साथ मत छोड़ना, बच्चे की खतने करो तभी इन्हें बुलाओ, जन्मदिन बच्चे का मनाओ तभी इन्हें बुलाओ, बेटे की शादियां करो तभी इन्हें बुलाओ, नाच गाने मत करना। इसलिए कि जब बेटे की शादी करो ना, जब मुस्तफा की सुन्नत अदा करने बेटे को लेके जाओ ना, तो इधर मुस्तफा की महफिल सजा के जाना, अल्लाह तेरे बेटे के और तेरे सफर को कामयाब फरमा दे। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अशरफे मुस्तफा कमेटी, मुफ्ती नूरी मियां साहिब क़िबला। ये हुजूर गौसे आदम हैं, फरमाते हैं गुलामों गम क्यों करते हो कि फिर मेरे आबाद जब जब ग्यारहवीं आया करे ना तो घरों पे इंतजाम करना ये तुम्हारा काम है और तुम्हारे घरों पे आना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये है बगदाद के गौसे आजम। और एक और बात और बताऊं, आपका ही खादिम है, आपका ही गुलाम है, आपका चाहने वाला है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के विसाल के बाद में आपके गुलाम ने क्या किया है? जब विसाल हो गया तो इसलिए गरीब था, बहुत बड़ा गरीब था यार। हाल ये था कि एक वक्त का खाना इसके दस्तरखान पे होता था और एक वक्त का खाना इसके दस्तरखान पे नहीं होता, यानी कि रात को भूखे सो जाया करते थे और दिन में यार ये खाना खा लिया करते थे। एक दिन वो आया है, जब जब ग्यारहवीं शरीफ आने लगी है तो इसी गुलाम ने अपने घर पे गौसे आजम की फातहा लगवानी शुरू की है, घर पे गौसे आजम के लिए तबर्रुक का इंतजाम किया है। अब ये छोटा सा इंतजाम अभी इसने किया है, लोगों को खिलाना शुरू किया है, मगर हाल ये था कि अभी तो बच्चों के दरवाजे पे पहुंचा है, वो कहा बच्चों लो ये बगदाद के गौसे आजम का तबर्रुक है, बच्चे खाते रहे, इसने कहा दुआएं करना, बच्चे लेकर के खाते दुआ करते अल्लाह इसे अमीर बना दे। फिर इसने ग्यारहवीं दूसरी आई है, फिर इसने बड़ा इंतजाम किया है, अल्लाह इसके कारोबार में बरकती अता फरमाता गया यार, इतनी दौलत अता फरमा दी मौला ने कि अब इसने देखो कि टेके बनवानी शुरू की है। और यार हाल ये था कि बाहर के लोग आकर के हुजूर गौसे आजम का सदका इसके दरबार पे आकर के खाया करते, इंतजाम इतना बड़ा किया है, सारे लोग इकट्ठा हो जाया करते, ये गौसे आजम की महफिल को सजाता, गौसे आजम की महफिल सजाता, गौसे आजम का तबर्रुक तकसीम किया करता, उनके नाम का सदका लुटाया करता। यार सदका लुटाना तो इस गुलाम का काम था, मगर इसके घर में बरदुआ बरकते करना ये परवरदिगार का
काम था। और मैं तुम्हें बताते हुए चलता हूँ, अब इसी के दरबार में यार एक इसका वो भी दोस्त था जो गैर मुस्लिम था, जो कि मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता इसलिए गैर मुस्लिम था। एक दिन आकर के दोस्त से कहने लगा, और यार जरा इतना तो बता दे यार, तू इतना बड़ा खर्च करता है यार, बड़ा बड़ा खर्च करके लोगों को बड़ी दूर दूर से बुलाता है। इसने कहा कि यार एक बात तो बता दे, इतना खर्च करने से मिलता क्या है? तू किसकी ग्यारहवीं सजाता है, किसकी ग्यारहवीं मनाता है, किसके नाम का ये तकसीम करता है? इसलिए दोस्त ने कहा था, तू नहीं जानता मैं अपने पीराने पीर के नाम का सदका लुटाता हूँ, गौसे आजम के नाम का तबर्रुक लुटाता हूँ। इसने इतना कहा, अब उसी गैर मुस्लिम ने कहा, इतना तो बता दे कि इनका सदका लुटाने से मिलता क्या है, इनका नाम का सदका खिलाने से मिलता क्या है? इसी आपके खादिम ने, आपके गुलाम ने कहा है कि तुझे मालूम नहीं जो गौसे आजम की ग्यारहवीं मनाता है, जो गौसे आजम के नाम का लुटाता है, अल्लाह उम्र में भी बरकतें अता फरमाता है, रिस्क में भी बरकतें अता फरमाता है। और एक बात और है, जो गौसे आजम से मोहब्बत रखता है ना उसे दुनिया की आग जलाती है ना जहन्नम की आग जलाती है। इतना सुना था, फिर इसने गैर मुस्लिम ने भी जब जब ग्यारहवीं शरीफ आती रही है, इसने अपने घर पे गौसे आजम की नियाज बनवाई है, लोगों की दावतें की है, आकर के लोगों ने गौसे आजम का सदका खाया है, गौसे आजम की नियाज खाई है। इतना कहना था, अब एक दिन वो भी आ गया है कि बीमार हो गया, बिस्तर पे लेट गया, तबीयत खराब हुई है, इंतकाल हो गया है, अब लोग लेकर के चले हैं, इसे लिटाया गया है अर्थी के अंदर, और लिटाने के बाद में लोगों ने अपने कंधे पे रखा है, और जाने के बाद शमशान घाट में जाकर के रख दिया है। फिर आग जलाई गई है मगर आग जलने का नाम नहीं ले रही है। बोलो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, आशिके मुस्तफा कमेटी, सरजमीने बिसोली। खत्म कर दे ये बताए, अरे करे खत्म कर दे तो मचल के गौस के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अभी इसकी अर्थी को उठाया गया, लोग लेकर के पहुंचे हैं, और जाने के बाद में जाकर शमशान घाट में रखा है, और फिर इसकी अर्थी के अंदर आग लगानी लोगों ने शुरू की है मगर आग जलने का नाम नहीं ले रही है। फिर नहीं, जब आग नहीं जली तो फिर लोगों ने केमिकल डाला है या तरह तरह का केमिकल डाला जा रहा है मगर आग जलने का नाम नहीं ले रही है। अरे लोगों ने कहा कि इसे हो क्या गया है यार, हम एक तिल्ली जलाए तो आग लग जाती है मगर हमने तो यहाँ पर केमिकल भी डाला है मगर आग चलने का नाम नहीं ले रही है। उसी में से एक नौजवान उठा है और उसने कहा है यार चलो, एक इसका मुसलमान दोस्त था उसके करीब चलते हैं और चलकर के पूछते हैं बात क्या है, वजह क्या है, बिना क्या है जो आग चलने का नाम नहीं ले रही है। पहुंचे हैं लोग और जाने के बाद में कहने लगे यार इतना तो बता दे बात क्या है, तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ है और हम लेकर के पहुंचे हैं शमशान घाट में जाकर के की है अर्थी को, और जाने के बाद में हम आग लगाना चाहते हैं मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है, वजह क्या है, बिना क्या है? तो गुलाम ने कहा था तुम क्या जानो, अरे जो गौसे आजम का सदका लुटाता है वो उसे न दुनिया की आग जलाती है न जहन्नम की आग जलाती है। कहा वजह क्या है, बिना क्या है? कहा जब इसका मौत का वक्त करीब आया तो बगदाद के गौसे आजम इसे अपना कलमा पढ़ा के इसे महबूब का कलमा पढ़ा के गए हैं। और याद रखना अब ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, ये तो जहन्नम जन्नतिया की आग है। मगर याद रखना जो गौसे आजम से मोहब्बत रखता है ना उसे दुनिया की आग जलाती है ना जहन्नम की आग। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, आशिके मुस्तफा कमेटी, मुफ्ती नूरी मियां साहिब क़िबला। ये है हुजूर गौसे आजम, हाँ, जिनकी आज महफिल में आकर के तुम बैठे हो। छोटी महफिल मत समझना, वो खुश नसीब हैं कि जब से हुई है और जब तक होगी तब तक बैठे रहेंगे। हाँ, हुजूर गौसे आजम की शान बड़ी निराली शान है, जानते हुए कौन?
अगर मुर्दे की ठोकर मार दे तो जिंदा हो जाए। हाँ हुजूर गौसे आजम बचपन का जमाना मेरे गौस का, बचपन का जमाना हुजूर गौसे आजम कभी बच्चों को जिंदा करते हैं कभी मुर्दा। एक औरत रोती हुई आई, किसी बच्चे ने पूछा ओ माई तेरी आंख में आंसू कैसे हैं, रोती क्यों है? कहा अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मेरे उस बेटे का इंतकाल हो गया। इतना कहना था, उस बच्चे ने कहा कि एक काम करना, जब सारे बच्चे खेलें और अब्दुल कादिर जिलानी कहें कि जिंदा हो जाओ मुर्दा हो जाओ, कहा जब मुर्दा हो जाओ कहे ना तो अपने बेटों को भी उन्हीं मुर्दों में लिटा देना। बोले सुभान अल्लाह, कहा उन्हीं बच्चों में लिटा देना, इतना कहना था। उस बच्चे ने कहा अब जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी कहती है वो बच्चों मर जाओ, इतना कहा हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने, औरत आई है और अपने बच्चों को उन्हीं बच्चों में लिटा दिया है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा वो बच्चों जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे जिंदा हो गए मगर एक तनहा वही बच्चा था जो लेटा हुआ था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अरे ये बच्चा कौन है जो ये नहीं उठा गए? कहा और ये फरहा का बेटा है, इंतकाल हो गया है। कहा बात क्या है? कहा हुजूर मैंने कहा था जब अब्दुल कादिर जिलानी कहे ना वो बच्चों मुर्दा हो जाओ तो अपने बच्चों को भी वहां लिटा देना, और जब अब्दुल कादिर जिलानी कहेंगे वो बच्चों जिंदा हो जाओ तो तेरा बच्चा भी उन बच्चों के साथ उठ जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए तुम मुर्दे असली नहीं, ये मुर्दा असली है इसलिए तुम उठ गए हो, ये उठा नहीं। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है और ठोकर मार के कहा तू क्यों लेटा है, तू क्यों नहीं उठ जाता? इतना कहना था, बच्चा जमीन से उठ करके अब्दुल कादिर का चेहरा देख के मुस्कुरा रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये हैं हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी। तभी तो शायर ने कहा बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आदम की, गुलामों पर रहे अक्तर इनायत गौसे आदम की, जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आदम की। और रदाओ साबिरो खाजा मोइनुद्दीन से पूछो, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आदम की, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आदम की। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अब मैं बताऊं कौन बड़े पीर साहब हैं? यार बड़े पीर साहब हैं, तुमने सुना होगा बड़े पीर साहब, बड़ा नाम है बड़े पीर साहब का। एक मर्तबा हुजूर गौसे आदम आप नदिया दजला के किनारे किनारे आप चल रहे थे, उसी नदी के किनारे किनारे चलते चले जा रहे हैं, अगर आपका खादिम आपके साथ है आप चलते चले जा रहे हैं, एक रोने की आह की आवाज आपके कान से टकराई, बोलो सुभान अल्लाह, आपके कानों से टकराई रोने की आवाज आई, आप फरमाते हैं ओ खादिम ये देखो आवाज किधर से आती है, ऐसा लगता है कोई औरत रो रही है। इतना कहना था, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम ने कदम बढ़ाए हैं, अब जिधर से रोने की आवाज आ रही थी आपके खादिम ने उधर को कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, चलते चले जा रहे हैं, मगर जाकर के क्या देखते हैं एक औरत है जो नदी के किनारे खड़े होकर के जो अपने सर से लेकर पैर तक पर्दा डाले हुई है, आंख में आंसू हैं और इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है जो समंदर की मछलियां हैं उनके अंदर जो अंडे मौजूद थे वो उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर के वो अंडे पानी बनकर के बाहर आ जाते हैं। इतनी दर्द भरी आवाज से औरत रो रही थी, और जाकर के हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम ने जाकर के उस औरत से जाकर के अर्ज किया औरत रोने की वजह क्या है, तू तो समंदर के किनारे खड़े होकर के क्यों रो रही है? इतना कहना था, औरत कहती है वो बच्चे पूछता क्यों है, पूछना क्या चाहता है? कहा मैं बयान तो करना चाहती हूँ मगर मेरी जुबान काम नहीं करती है। कहा बात क्या है? कहा मुझे 12 साल हो गए हैं इसी नदी के किनारे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा लिया करती हूँ, और जब दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को तसल्ली मिल जाती है, फिर मैं घर
चली जाती हो, इतना कहना था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के खादिम वहां से चले हैं, आए हैं बड़े पीर के करीब, आकर के कहते हैं हुजूर नदी के किनारे एक औरत खड़े होकर के रो रही है और इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है कि हुजूर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आवाज को सुन करके इतना सुनना था अब्दुल कादिर जिलानी के कदम उठे हैं, बड़े पीर ने चलना शुरू कर दिया है और जाकर के बड़े पीर उस औरत के करीब जाकर के ठहर गए हैं और जाकर के कहते हैं औरत रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है, तेरी आंख में आंसू कैसे हैं। औरत ने कहा था हुजूर में जवान हुई थी और जैसे ही जवान हुई बाप ने मेरी शादी की है, मेरा हाथ शोहर के हाथ में दिया था, कुछ दिन गुजरे थे, शोहर का साया सर से हटा है, शोहर का इंतकाल हो गया मगर मेरे पेट के अंदर एक अपनी पहचान छोड़ के गया था, एक पहचान छोड़ के गया था जो पहचान रब ने बेटे की शक्ल में दुनिया से दुनिया को भेजा था। इतना कहना था हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इससे आगे क्या हुआ है। कहा हुजूर रब ने बेटा आता फरमाया, जब बेटा आता हुआ फरमाया मैंने बेटे को लगते जिगर को खून जिगर पिला के पाला है, सीने से लगा के रखा है, हुजूर कभी बेटे को तकलीफ नहीं होने दी, बेटे से बड़ा प्यार किया था, बेटे से बड़ी मोहब्बत की थी। कहा मैंने अपने लगते जिगर को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, अपने बेटे को मैंने मुंह के अंदर दांत न चबे थे तो मैंने लगते जिगर को लुकमे चबा चबा करके मुंह के अंदर दिए थे। कहा हुजूर जब बेटा बेटा होशियार होने लगा तो हुजूर जब बेटा होशियार हो गया तो मैंने अपने लगते जिगर का अपने नूरे नजर का रिश्ता इसी नदी के दूसरी पल्ली साइड से किया था। आका हुजूर आदरगो से आजम फरमाते हैं फिर क्या हुआ है। कहा मैंने रिश्ता किया है बेटे का और करने के बाद हुजूर फोतिन भी आ गया था कि जिस दिन बेटे को दुल्हा बन के जाना था। कहा हुजूर मैंने अपने बेटे को तैयार किया है, सर पे उसके सेहरा सजाया है, परातियों को तैयार किया है, फिर मैंने लगते जिगर को दुल्हन लेने के लिए नदी के पल्ले किनारे भेजा था। इतना कहना था कहा हुजूर बेटा निकाह करके वापस आ रहा था, बीच इस समंदर में कश्ती ने मदश्ती ने इधर उधर दश्ती ने अपने आप को करबटे दी है और देने के बाद वो कश्ती जरा कश्ती भी दरिया के अंदर डूब गई है। इतना कहना था अब्दुल कादिर जिलानी की आंख में आंसू है, बड़े पीर की आंखें तड़क रही है, बड़े पीर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इतना कहना था अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं औरत गम मत करना, परेशान मत हो, इसलिए तेरे पास में कोई और नहीं अब्दुल कादिर आ गया है। इतना कहना था हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने नदी की तरफ इशारा किया है, वो कहते हैं और नदी बरातियों को बाहर निकाल दे, अभी निकल के बरात बाहर नहीं आई है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने दूसरा इशारा किया है, बरात निकल के बाहर आ जा, अभी बरात नहीं आई है। फिर तीसरा इशारा किया है तो बरात निकल करके किनारे लग जाती है। अब्दुल कादिर जिलानी ने रब की बारगाह में फरियाद की थी, ओ परवरदिगारे आला अगर तेरा अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुर्दे को कहे कि जिंदा हो जा तो मौला वो जिंदा कर देता है, अगर एक मर्तबा कहे कि मुर्दे को मुर्दा कर दे तो मौला तो मुर्दा कर देता है, मगर यहाँ तीन मर्तबा कहा कलाजा क्या है बिना क्या है। रब ने इरशाद फरमाया वो अब्दुल कादिर जो बरातियों का गोश्त था, जो मछलियों ने खा लिया था, जब तूने पहली आवाज दी थी मैंने मछलियों के पेट से उस गोश्त को निकाला है और निकालने के बाद में मैंने जिस्म को तैयार किया है और जब दूसरी आवाज दी थी तो मैंने बरातियों को सजाया है और तीसरी आवाज दी है तो बरातियों को निकाल के अब्दुल कादिर किनारे लगा दिया। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पीछे वाले भी बोले जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत मुफ्ती नूरी मियां साहिब किबला। कहा मौला तीन मर्तबा कहा तब तूने बरात को बाहर निकाला। रब इरशाद फरमाता अब्दुल कादिर गम मत कर। बोले सुभान अल्लाह, काहे गम करता है। रब इरशाद फरमाता अब्दुल कादिर जब तूने एक पहली बार कहा था तब तेरे रब ने गोश्त को इकट्ठा किया था, दूसरी मर्तबा कहा
तो रब ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर तेरे रब ने बरातियों को दुल्हा बनाया था। कहा तीसरी आवाज जब अब्दुल कादिर तूने दी थी तो तेरे रब ने बरातियों को समंदर से निकाल के किनारे लगा दिया। कमोला ये वजह कहा इसलिए कि इशारा तेरा था अब्दुल कादिर, और तेरा रब ये नहीं चाहता कि मेरा अब्दुल कादिर, मेरा अब्दुल कादिर बरात को इशारा करे और फिर मैं उन्हें बराती बनाकर के किनारे ना लगा। बोलो सुभान अल्लाह, कितना प्यार करता है रब अब्दुल कादिर जिलानी से। तो हम तो उस गौस के गुलाम हैं यार। हाँ गुलाम, इसलिए जब जब जरूरत पड़ा करे ना तो या गौस अल मदद पुकार लिया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ कि जिस तरह राई के दाने को हथेली पर रखा जाए फिर लोग उसको देखें। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी सारी दुनिया को इस तरह मुलाहिज़ा फरमाते हैं यार। फिर तो फिर हम क्यों उस गौसे आदम का दामन छोड़े? इसलिए सूरज निकले तब गौसे आदम की बारगाह में इजाजत लेके निकले, सूरज छुपे तब गौस की बारगाह में इजाजत मिले तब छुपे, चांद निकले सितारे चमके, बारिश हो या हवा चले या मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आए, जब तक बगदाद के गौसे आजम इजाजत नहीं देते ना ये दुनिया की कोई भी फिजा हो हवा हो कोई भी नहीं हिल सकती। जब इजाजत गौसे आदम देते हैं तब गर्दिशे करा करती है। हमने क्या समझा है, बड़ी शान है मेरे गौसे आजम की, ऐसे विलादती वली है मेरे गौस हुजूर गौसे आदम। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ बचपन का जमाना है मेरे गौस का, 5 या 6 साल की उम्र है, कितनी बोल के सुने यार। हाँ वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शायर ने कहा मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, अजीब आप हैं खामोश हो के बैठे हैं, अजीब आप हैं खामोश हो के बैठे हैं, मेरे गौस के नाम पर तो यार सारा जहां चमकने लगता है। हाँ, तो फिर क्यों ना मचल के बोले या गौस। जितने बैठे हैं अगर अल्लाह ने एक हाथ सलामत दिया है तो एक हाथ उठाएं, दोनों हाथ दिए हैं दोनों उठाएं, ठीक है मैं भी उठाऊंगा तुम भी उठाओ, और मैं वादा करता हूँ ये हाथ उठाना दुनिया में भी काम आएगा और इंशाल्लाह मैदान महशर में भी काम आएगा। नहीं हाथ उठा के कहें या गौस, आवाज आनी चाहिए या गौस या गौस या अली या अली। सुभान अल्लाह, बेदार होना भी जरूरी है। हाँ अली भी काम की चीज है और गौस भी, हाँ दोनों बड़ी काम की चीज है। इसलिए मैं थोड़ी आगे बढ़ूं, अली की बात आई, एक शेर पढ़ दूं बेदार कर, पढ़ दूं ना शेर मेरे साथ पढ़ेंगे ना, शेर का शेर है इसलिए अली शेर है, और जो शेर पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शेर है। बोले सुभान अल्लाह। हाँ और अली वो है कि जिसे नबी ने खुद अपने लबों से पुकारा है। हाँ पढ़ दूं ना, बोले सुभान अल्लाह, कि हमारा जो सहारा है अली मौला। अली मौला आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, अली मौला अली मौला, पीछे तक पढ़े इस कलाम है पीछे तक पुकार ले। अच्छा नोट नहीं रहे ना तो होठों की दांतों से नवाज दे।
नोट को खैर मना नहीं करूंगा, ये इनाम देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, मगर इतना कहूंगा कि लब खोलना भी ये मेरे आका की। हाँ मुस्कुरा करके जरा खोल दो, मैं शेर पढ़ रहा हूं थोड़ी इको दीजिएगा। के अली मौला, अच्छा ये हुसैनी है ये हसनी है ना, ये हसनी है ये हुसैनी है ये हसनी है। अब देखता हूं कि हसनी ज्यादा दमदार है या हुसैनी ज्यादा दमदार है ना। और पीछे के जो बैठे हैं ना ये वो मौला अली वाले महला है, मैं सबको देख रहा हूं। कहिए अली मौला, हाथ उठाइए, अली मौला अली मौला, अरे नबी ने खुद ही पुकारा है अली मौला, अली मौला। अच्छा पैर थोड़े सीधे ले, जरा एक शेर पढ़ ले मेरे साथ, खड़े हो क्या पढ़ ले। अली मौला अली मौला, अरे नबी ने खुद ही पुकारा है अली मौला, हाथ उठा के यार हाथ उठा के, अली मौला अली मौला। के मुनाफिकियों रे मोमिन में अगर पहले जान करनी हो, अरे लगाओ सुननी हो नारा अली मौला, तेज आवाज आनी चाहिए, अरे लगाओ सुननी हो का एक नारा है अली, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, अब तो आवाज निकालनी चाहिए, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया हम सब की बख्शिश का जरिया, फैजाने गौसे आजम फैजाने गौसे आजम। बैठ जाइए, बात चल रही थी हुजूर हुजूर गौसे आजम की बात चल रही थी, बगदाद के गौसे आजम बड़ी शान वाले हैं मेरे गौसे, हुजूर गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपका बचपन का जमाना है, चार या पांच साल की उम्र है हुजूर गौसे आदम की, आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उसी रास्ते से एक फकीर का गुजर हुआ, जब फकीर का गुजर हुआ ना, बैठिएगा भी थोड़ी देर और सुनिएगा, कोई बात नहीं है फिर आते बैठिएगा, बैठे मेरे गौस की महफिल है इंशाल्लाह। तो हुजूर गौसे आदम बचपन का जमाना है मेरे गौस का, आपकी पांच या छह साल की उम्र है, उसी गली से एक फकीर का गुजर हुआ है, फकीर ने देखा और जाने के बाद में उन बच्चों के करीब जा करके फकीर ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, मगर बड़े पीर ने दो मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, बोलो सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने दो मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, फकीर ने कहा है ओ शहजादे जरा करीब तो आओ, जैसे ही करीब आने की बात करीब है उस अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ओ बाबा मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, फिर आकर के आपसे गुफ्तगू करूंगा। ओ भैया बैठ जाओ, बैठो बैठो इधर देखो मेरी तरफ देखो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के या कई बार कहते या गौस
हाँ इधर देखिएगा इंशाल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह मददगार है। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी से उस फकीर ने कहा ओ शहजादे जरा करीब ता आओ, इतना कहना था। वो फकीर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ओ बाबा जरा अभी मैं खेल में अभी मैं खेल में लगा हुआ हूँ, थोड़ी देर के बाद आपसे गुफ्तगू की जाएगी, इतना कहना था। फकीर भी जिद्दी था, कहा ओ शहजादे जरा करीब तो आओ। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे ओ बाबा बताओ बात क्या है। फकीर कहता है ओ शहजादे एक बात बताओ, मैंने एक मर्तबा सलाम किया है, सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, मगर तुमने दो मर्तबा सलाम का जवाब क्यों दिया है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ओ बाबा तुम्हें मालूम नहीं, तुमने एक मर्तबा बच्चों को सलाम किया है मगर अब्दुल कादिर को दो मर्तबा सलाम किया था, इतना कहना था। बड़े पीर ने कहा, उस फकीर ने कहा ओ बेटे कहना क्या जानते हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने फकीर की उंगली को पकड़ा है, फिर पकड़ने के बाद में आप थोड़ी आगे चले हैं, वो जाने के बाद अपने घर की तरफ इशारा किया है और इशारा करके कहते हैं ओ शहजादो ओ फकीर ओ पापा जरा एक बात तो बताओ, वो जो मकान दिख रहा है कभी तुम उन मकान के गलियों से गुजरे हो। फकीर ने कहा हाँ शहजादे मैं गुजरा हो। कहा गुजरे हो, कहा तुम फिर उस मकान के करीब पहुंचे हो, करके जाने इशारा किया है। अब्दुल कादिर जिलानी से उस फकीर ने कहा है हाँ बेटे मैं उसके करीब पहुंचा था, दरवाजे के करीब पहुंचा। कहा वो बाबा जाकर के सलाम किया था। फकीर ने कहा आप सलाम तो किया था, कहा उस घर से जवाब नहीं आया था, इसलिए उस वक्त में माँ के पेट के अंदर था। अब्दुल कादिर कहते हैं एक तो मैंने जब के सलाम का जवाब दिया है, एक मैंने अब के सलाम का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।